कुछ सालों के पहले की घटना है। तखतगढ़ से पालीताना का छरी पालता संघ निकल तखतगढ़ कटे आइयो एक में तखतगढ़ रहा अपने डाय तखतगढ़ दी संघ निकलियो तो मेरा तो घने संघ निकले बाउसी का ठा पड़े आप तो बोलो तो ठा पैदल संघ आज के जैसा नहीं कि यात्रा प्रवास के नाम से संघ बोल देते और निकलता है यात्रा प्रवास। पैदल जो निकलता है उसे छरी पलक संघ कहा जाता है। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, छरी पलक संघ जैसे भंडारी परिवार है वैसे एक ही परिवार ने निकला था और एक धन्य दिन आ गया पूरा परिवार पालीताना पहुंच गया। दूसरे दिन ऊपर दादा के दरबार में और वहां पे संघ माला का कार्यक्रम, संघ माला भी हो चुकी, सब भगवान की पूजा करके नीचे उतरने लगे। संघपति को लगा कि जिस दादा के प्रभाव से मेरा यह संघ निर्विघ्न पूरा हुआ है उनके दर्शन वापस कर लूं बाद में नीचे। कल माला का कार्यक्रम पूरा होने के बाद सीधा अहमदाबाद नहीं चले जाना, परसों वापस एक बार दादा को थैंक यू कहना, भगवान तेरे प्रभाव से हमारा संघ निर्विघ्न। मैंने भी वैसे तो बहुत सारे संघ में जाना मुझे हुआ है और मैंने देखा है जब जब भी मैं कोई भी संघ में गया हूँ लगभग 10-15-20 दिनों का संघ होता है ना, एक बार तो बवंडर आता है, एक बार तूफान आता है, एक बार बारिश भी आता है। क्या दादा का प्रभाव, 10 दिन आज 10वां दिन निर्विघ्न चला। हम कहते थे ना एक बार एक और नर्मदा की नहर है, दूसरी ओर हवा की नहर है और बीच में दादा की मेहर इतनी जबरदस्त है। संघवी को लगा कि एक बार वापस परमात्मा को धन्यवाद दे के आओ, भगवान तेरे प्रभाव से मेरे महीने का संघ था राजस्थान से गुजरा और संघवी जी भगवान आदिश्वर के सामने खड़े हो गए, दादा खरा प्रभाव दी मारो संघ अच्छा नहीं। माई की आवाज है, दादा ये थोने गिफ्ट दीदी थू रिटर्न गिफ्ट का दी। यहां सभी को पूछना चाहता हूं, संघवी जी ने तो गिफ्ट में हमें छरी पालता संघ दिया, आप सब क्या दो? संघवी जी को कुछ नहीं चाहिए, संखेश्वर दादा को क्या दो रिटर्न गिफ्ट? आपको नहीं याद आता मैं दिलवा। संघवी जी भगवान से पूछ रहे कि दादा मैं क्या करूं, तूने मेरे ऊपर इतनी कृपा बरसाई मैं क्या करूं? और संघवी जी को याद आ गया मुझे गुस्सा बहुत आता है, दिन में एक बार भी यदि गुस्सा ना करूं तो मुझे चैन नहीं पाता, व्यसन हमारा सर ने बताया ना व्यसन, याद रखना कैंसर से भी खतरनाक क्रोध है। ध्यान से सुनिए, कैंसर से भी खतरनाक क्रोध है कैंसर के नासूर। बहुत बहुत जिंदगी के अंतिम दिन तक रहेंगे, शमशान में जब मुर्दा जलाया जाता है ना उसी के साथ वो नासूर भी जल जाएगी। कभी सुना इस जन्म की कैंसर की नासूर अगले जन्म में साथ में आई? सुना किसी को बाय बर्थ जो कैंसर की गांठ लेकर के जन्मा हुआ? कभी नहीं सुना। नासूर बहुत बहुत इस जन्म के अंतिम समय था, लेकिन क्रोध की नासूर अगले जन्म जन्म हो जाए। चंडकोशिया दृष्टांत सुना जन्म जन्म का क्रोध लेके आया और हर जन्म में वह अपने क्रोध का मल्टीप्लिकेशन करता था। पहले जन्म में सिर्फ गुरु के ऊपर शिष्य के ऊपर उनको गुस्सा था, दूसरे जन्म में 500 राजकुमार के ऊपर गुस्सा आया और तीसरे जन्म में पूरी नगरी के लोगों के ऊपर, अरे उड़ते पंछियों के ऊपर और आगे जाके खुद महावीर आए तो महावीर को भी दंग।
इस जन्म में हमारा क्रोध यदि कंट्रोल में नहीं रहा तो समझना अगले जन्म में कोई महावीर मिलेगा ना तो हम महावीर को भी नहीं छोड़ेंगे। क्रोध का मल्टीप्लिकेशन मत करो, डिवाइड करो, गुणाकार मत करो, भागाकार करो, उसकी वैल्यू मत बढ़ाओ, डिवेल्यूशन होनी चाहिए। सेठ ने भगवान से कहा, भगवान क्रोध बहुत सताता है, 30 दिन का यह छरी पाल संग निर्विघन तेरे दरबार में आया जाता हूं, एक अभिग्रह लेके जाता हूं, जिंदगी में अब मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। और याद रखना, कोई भी गलती, कोई भी क्षति, कोई भी भूल यदि दूर करनी है तो यूं ही नहीं होती है, साथ में क्या रखनी है, पनिशमेंट रखनी है।